दोस्तों, अगर आप एक मल्टीबैगर शेयर ढूंढ रहे हैं और किसी टिप प्रोवाइडर के चक्कर में पड़े हैं और ये सोच रहे हैं कोई ऐसा शेयर हाथ लग जाए जिससे जिंदगी संवर जाए, है ना, लाइफ के सपने पूरे हो जाएं, कुछ जो रिचनेस है लाइफ है वो आ जाए, अपनी गाड़ियां आप खरीद सकें, महंगा बंगला हो, गाड़ी हो, मकान हो, दुकान हो, पता नहीं क्या क्या, क्या शेयर बाजार से ये सब सपने पूरे हो सकते हैं? बड़े बड़े निवेशक जैसे राकेश झुंझुनवाला, पॉरिन जुबिलियात या विजय केडिया जी, जितने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, या वॉरेन बफेट की बात की, जो शेयर बाजार से करोड़पति बने हैं, जो खरबपति बने हैं, क्या ये सच है या एक छलावा है? तो सर, इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूंगा कि अगर शेयर बाजार को उस नजरिए से देखा जाए जिस नजरिए से बड़े बड़े निवेशक देखते हैं, या जिस नजरिए से मैंने देखने की कोशिश की है, जिसके रिजल्ट मुझे मिल रहे हैं, तो शायद शेयर बाजार आपके उन सपनों को पूरा करने में आपकी हेल्प कर सकता है, आपको भी करोड़पति बना सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं, आपको लगता है कि रात के रात आपका पैसा चार गुना होना चाहिए, तो भैया आप जुआ खेल रहे हैं, और जुआ कभी कामयाब होगा कभी कामयाब नहीं होगा, वो आपके लक और स्टडी के ऊपर बात है, कितनी प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, किस सेटअप पे काम कर रहे हैं, वो एक अलग चीज है। इंट्राडे का गेम अलग है और निवेश का गेम बिल्कुल अलग है। निवेश की जो साइकोलॉजी है, जो एक निवेशक जिस तरह सोचता है, जिस तरह से वो बाजार के डेटा को स्टडी करता है, वो एक अलग चीज है। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आज तक मैं आप लोगों के साथ में बात करता हूं कि ट्रेडिंग में कैसे किया जाए, निफ्टी का ट्रेड कैसे किया जाए, वो सब चीजें करेंगे। बहुत दिनों के बाद वापस सोशल मीडिया पे आ रहा हूं दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं के लिए। जी हाँ, पिछले 3 महीने बहुत टफ थे, हेल्थ वाइज मेडिकल वाइज बहुत ज्यादा परेशानी से समय निकला है, बट आपकी दुआओं से, आपके प्यार से मैं वापस आ रहा हूं और आपके लिए बहुत बहुत सारी चीजें रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल, मुझे इन दिनों में बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट की, बहुत लोगों ने मैसेज मुझे किया कि सर, हम अगर स्टॉक मार्केट को सीखना चाहते हैं तो हमारे पास में कोई भी अफोर्डेबल क्लास नहीं है। अब यहाँ पे इस प्रॉब्लम को मैंने आपके लिए एड्रेस किया, जिसको मैं इस वीडियो के आखिरी में बताऊं कि आप अगर शेयर बाजार मुझसे सीखना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, वीडियो को स्किप करने की जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल फ्री की बात कर रहा हूँ, कोई पैसे आपसे चार्ज नहीं किए जाएंगे। क्या कंडीशंस होंगी, क्यों फ्री पढ़ाऊंगा, आपको सब चीजें इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। तब तक आप इस वीडियो को बने रहें, इस वीडियो में देखते रहें कि एक मल्टीबैगर शेयर कैसे ढूंढा जाता है, क्या वो शेयर है जो आपकी जिंदगी और आपका पोर्टफोलियो बना सकता है, और मैं ऐसे कुछ शेयर्स आपसे डिस्कस करूंगा जो पिछले कुछ दिनों में मैंने अपने ट्रेडिंग रूम में, जो सुबह लाइव ट्रेडिंग जो हमारे लोग करते थे, उनको भी मैंने कुछ शेयर्स दिए, कुछ शेयर्स मैंने भी खरीदे, उन शेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे और आपको बताने की कोशिश करूंगा कि वो क्या माइंडसेट था, वो क्या स्ट्रेटजी थी, जिस स्ट्रेटजी से मैंने उन मल्टीबैगर शेयर्स को ढूंढा, मल्टीबैगर्स क्या होते हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं, और चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला सवाल है, मल्टीबैगर शेयर हम किसे कहें? मल्टीबैगर शेयर एक ऐसा शेयर है जो कम समय में आपको अच्छी रिटर्न दे, या आपको आपके सोचे समझे प्लान के तहत आपको रिटर्न्स निकाल के दे। फॉर एग्जांपल, अगर आप बैंक में पैसा डालते हैं तो आपको शायद सेविंग में 3% का रिटर्न मिलता है आपको, और एफडी में अगर आपको 4-6% का रिटर्न मिलता है, कहीं कहीं प्राइवेट एफडीज की बात करें तो कुछ ज्यादा मिल सकता है। बट शेयर्स में अगर आप लगाते हैं पैसा, अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं, तो कुछ भी हो सकता है, आ भी सकता है, जा भी सकता है। हम बात करते हैं निवेश की, तो ऐसे शेयर्स जो आपको साल का 25%, 30%, 40% के कैगर से अगर आपको रिटर्न्स निकाल के दे सके, आपके पैसे को ग्रो करा सके, तो वो एक रियल मायने में मल्टीबैगर है। और ऐसे शेयर्स को ढूंढने के साथ साथ में कभी कभी आपके हाथ में ऐसे खजाने लग जाते हैं जो आपके पैसे को एक साल में डबल भी कर सकते हैं, ट्रिपल भी कर सकते हैं। बट आपकी सोच डबल या ट्रिपल करने की नहीं होनी चाहिए, आपकी सोच होनी चाहिए कि जो शेयर आप खरीद रहे हैं, जिसमें आप निवेश कर रहे हैं, क्या वो बिजनेस आपको समझ में आता है? क्योंकि शेयर मार्केट एक शेयर्स खरीदने का बिजनेस नहीं है, ये बिजनेसेस को खरीदने का बिजनेस है। यहाँ पे जितने भी देश दुनिया के जितने बिजनेसेस चल रहे होते हैं, जो कंपनी लिस्ट अपने आप को कराती है, कोई ना कोई व्यापार वो कर रही होती है। तो उस व्यापार में अगर आपको पैसा लगाना है, आप एक शेयर होल्डर बनना चाहते हैं, निवेशक बनना चाहते हैं, आप उस बिजनेस को करना चाहते हैं, तो शेयर बाजार आपके लिए बेस्ट है, इससे बेस्ट कुछ नहीं है। दोस्तों, मुझे 20 साल बाजार में हो चुके, लोग मुझे जानते हैं, मैं ब्रोकिंग इंडस्ट्री के साथ रहा हूं और 17 साल मैंने ब्रोकिंग में जॉब किया, उसके बाद मैं ट्रेनिंग ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की फील्ड में आया हूं आपके साथ, पिछले 5-6 साल से आपको पढ़ा भी रहा हूं, खुद के ट्रेड भी कर रहा हूं, खुद की इन्वेस्टमेंट भी कर रहा हूं, सब आप लोगों का प्यार है। अब जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने पिछले 20 साल में समझा है, सीखा है, लॉसेस दिए हैं, बाजार ने सिखाया है, और बहुत सारी चीजों से मैंने सीखा है, वो सब निचोड़ मैं आपको अपने इस चैनल पर देने वाला हूं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस रखें, ताकि रोज जब मैं आपके लिए कुछ ना कुछ लेके आऊंगा, आपको वो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिले और आप उसके लिए तैयार हो सके, ताकि हम रोज मिले किसी न किसी वीडियो के माध्यम से, लाइव सेशंस के माध्यम से, ट्रेडिंग रूम के माध्यम से, और डेली होने वाली मंथली फ्री क्लास, जहां 1 महीने की फ्री क्लास होने वाला हूं, उसका पूरा जिक्र करूंगा इस वीडियो के अंत में। तो पहले देखते हैं मल्टीबैगर क्या होता है। मल्टीबैगर क्या है? मल्टीबैगर है एक ऐसा शेयर जो आपके पैसे को मल्टीप्लाई कर सके मल्टीफोल्ड, हो सकता है वो 2 टाइम करे, 3 टाइम करे, 4 टाइम, 10 टाइम, 20 टाइम, कुछ भी हो सकता है, कभी कभी 100x की मल्टीप्लिकेशन भी आपको मल्टीबैगर शेयर दे सकते हैं। बट ये कौन से शेयर होते हैं जो लोगों के हाथ लग जाते हैं और आपके हाथ नहीं लगते, चलिए इस वीडियो में समझते हैं अच्छे से। देखिए, मेरे हिसाब से मल्टीबैगर जो शेयर्स हैं, उसको ढूंढने की जो ट्रिक है, जो कला है, वो सबसे पहली कला है
आपको ये देखना होगा, जैसा मैं करता हूँ, मैं अपना बता रहा हूँ, हो सकता है आप उससे वाकिफ ना हो, सकता है आप उससे वाकिफ हो सकता है आपको पसंद आए, हो सकता है आपको पसंद ना आए, पर प्लीज सुन लीजिए, मैं जब भी कोई मल्टीबैगर शेड ढूंढने के लिए जाता हूँ तो सबसे पहले मैं ये देखने की कोशिश करता हूँ कि मेरे आसपास दुनिया में क्या चल रहा है। मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ, मैं ये देखता हूँ कि इंडिया में क्या ग्रोथ स्टोरी है, किन पहलुओं पे हम बात कर रहे हैं, किन पहलुओं पे हमारी सरकारें बात कर रही हैं, किन पहलुओं पे सरकार काम कर रही है। सरकार का बात करना अलग है, सरकार का काम करना अलग है। हो सकता है सरकार बजट जब लेके आती है तो बहुत सारी चीजें प्लान करती है, बहुत सारे पॉइंट्स को डिस्कस करती है, हम ये करेंगे वो करेंगे ये करेंगे वो करेंगे, बट क्या सरकार उन पॉइंट्स पे डिलीवरी दे रही है? क्या वो पॉइंट्स डिलीवरेबल हैं? क्या सरकार उन चीजों के लिए अकाउंटेबल है? क्या उनके ऊपर काम किया जा रहा है? फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें ग्रीन एनर्जी की, तो ग्रीन एनर्जी हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, ग्रीन एनर्जी वर्ल्ड की रिक्वायरमेंट है, दैट्स अ ग्लोबल रिक्वायरमेंट। तो ग्रीन एनर्जी की अगर बात करें, जहां कुछ 3 साल पुरानी अगर बात करें, जब मैंने आपको टाटा मोटर्स का शेयर 60 रुपए के आसपास में कहा था ले लो ये आपके हाथ नहीं मिलेगा, 240 का उस टाइम टारगेट दिया था मैंने, वो मेरी स्टडी थी क्योंकि मैंने उस ईवी साइकिल को समझने की कोशिश की थी और मुझे लग रहा था कि हाँ आज नहीं तो कल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमारे रोड पे चलते हुए दिखाई देंगे। जबकि हम हिंदुस्तानी, हम इंडियंस की एक आदत है कि हम आसानी से किसी चीज को फर्स्ट टाइम पे एक्सेप्ट नहीं करते। जब टच स्क्रीन फोन्स में आई थी तो नोकिया फेल हुई थी, नोकिया को लगा कि हिंदुस्तानी लोगों को टच की आदत नहीं है, इतने सोफिस्टिकेटेड नहीं है, हाथ से गिरा देते हैं तो क्वालिटी फोन्स कामयाब होंगे, तो नोकिया मार्केट से गायब हो गई, काम नहीं कर पाई, सक्सेसफुल नहीं हो पाई। वहीं छोटे से छोटी कंपनी और चाइनीज कंपनीज का भरमार हो और आज हर हाथ में शायद एक नहीं दो दो तीन तीन स्मार्टफोन्स हम लोग कैरी करते हैं, बड़े आसानी से, डरते नहीं है, हम स्क्रीन टूटने के डर से बाहर आ चुके हैं। वही हो रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ में, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक ऐसा सेगमेंट है जो पॉल्यूशन के साथ 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 जुड़ा हुआ है। अगर हमको लगता है आने वाली जनरेशन के लिए, आने वाला दौर जो है, जो हवा है जिसमें हम रहने वाले हैं, वो अगर हमारे व्हीकल्स उसको पोल्यूट कर रहे हैं तो शायद हमें व्हीकल्स को बदलने की जरूरत है। बहुत सारे और भी सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, बट हम क्योंकि शेयर बाजार की बात कर रहे हैं तो निवेश की बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक ऐसा सेगमेंट है जहां पे हम उसमें निवेश कर सकते हैं। तो व्हीकल्स में एक कंप्लीट टेरिटरी निकल के आई है। अगर मैं व्हीकल्स सेगमेंट को एक मल्टीबैगर सेगमेंट की बात करूं, दोस्तों किसी निवेश की सलाह नहीं दे रहा हूं, समझाने के लिए वीडियो बना रहा हूं, तो प्लीज ध्यान से समझिए और पसंद आ रहा तो एक लाइक प्रेस कर दीजिए, मुझे मजा आएगा, मुझे समझ में आएगा कि आपको कंटेंट पसंद आया और ऐसी कंटेंट आपके लिए लगातार लेके आता रहूंगा। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की अगर बात करें तो शायद मल्टीबैगर हो सकता है, हुआ था और आगे भी हो सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि देश दुनिया कहां जा रही है, लोगों के रिक्वायरमेंट क्या है, लोग क्या बातें कर रहे हैं, आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। वैसे ही सबसे पहला पॉइंट है किसी भी मल्टीबैगर शेयर को ढूंढने के लिए, आप ये देखिए कि सरकार की पॉलिसीज क्या है, नीतियां क्या है। आप कहेंगे यार कौन पढ़ेगा? दोस्तों अगर आप पढ़ नहीं सकते, आप न्यूज को रिसर्च नहीं कर सकते, तो प्लीज ये बाजार आपके लिए नहीं है, मजाक मत कीजिए, आप ऑप्शंस में दिमाग खराब कीजिए, वहां टाइम वेस्ट कीजिए, अगर आपका पैसा बनता है ठीक है, नहीं तो अपने घर जाइए। बट अगर आप सीरियस हैं, अगर आप सोच रहे हैं मल्टी बैगर रिटर्न्स निकालिए, भाई देखिए मुझे, मेरे बच्चे हैं, मेरे पास 2 बच्चे हैं और मुझे दोनों को एक अच्छी एजुकेशन देनी है, अच्छा लाइफ स्टाइल देना है और मुझे अपने भी लाइफ स्टाइल अच्छा करना है, शानदार लाइफ स्टाइल जीने की आदत है, तो वो सब मेंटेन करने के लिए जब तक मेरे पास एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो नहीं हुआ, जो मुझे लगता है कि अगर मैं जैसा वॉरेन बफेट कहते हैं या जैसे राकेश जी कहते थे कि अगर आपका पोर्टफोलियो 18% की कैगर निकाल के दे रहा है तो आप शानदार हैं, आप बहुत जबरदस्त हैं, तो मैं उनके नक्शे के कदमों पे चल रहा हूं और मैं अपनी रिटर्न्स को 18-20% के आसपास निकालने की कोशिश करता हूं साल की, कभी कभी उससे ज्यादा मिल जाती है क्योंकि आपका फोकस कंजर्वेटिव है, 18 के आसपास का कंजर्वेटिव फोकस है, बट आपको 20-25-40% तक मिल जाती है। वो कैसे संभव है? वो संभव है जब मैं ये देखता हूं कि जब मैं शेयर को ढूंढने जा रहा हूं, मैं शेयर नहीं ढूंढ रहा हूं, मैं बिजनेस ढूंढ रहा होता हूं। अगर मैं ये सोचूं कि मेरे पास 1 करोड़ रुपए है और मुझे निवेश करना है, तो शायद मैं चाय की दुकान की फ्रेंचाइजी ना लेके मैं ये देखने की कोशिश करूंगा कि चाय कौन बनाता है, तो शायद मैं टाटा टी को प्रेफर करने की कोशिश करूंगा बजाय की चाय की दुकान खोलने के लिए, क्योंकि चाय हमारे हिंदुस्तान में 10 रुपए की टपरी पे मिल जाती है, वो ज्यादा बेटर है बजाय की 150 रुपए की चाय को पीना पसंद करता नहीं है। अब यहां कोई ये ना समझे मैं किसी और की बात कर रहा हूं, बट एक एग्जांपल है दिमाग में, आजकल बहुत चर्चा का विषय, उसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे अगर आप चाहते हैं तो, बड़ा अच्छा सा है, उस पर वीडियो क्रिएट करेंगे। अगर आप कहेंगे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अगर वो भी समझना है कि उसका बिजनेस मॉडल क्यों फेल हुआ, मैं एमबी चाय वाले की बात कर रहा हूँ, वो बिजनेस मॉडल क्यों फेल हुआ और क्या सही में फेल हुआ है या लोगों ने कुछ ज्यादा हाइप क्रिएट कर दिया, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे बड़े अच्छे से। बिजनेस करने का सबको अधिकार है, बट किस बिजनेस में हमें निवेश करना है वो अधिकार हम शेयर निवेशकों का है। अब मैं देखता हूं कि कौन सी सरकार की पॉलिसी है, क्या नीति है, उसके ऊपर सरकार ने क्या कहा और क्या कर रही है। फॉर एग्जाम्पल लेटेस्ट अगर बात करें ट्रेडिंग, जो मैंने पिछले साल जून के महीने में स्टार्ट किया था, तो 6 महीने के दौरान बहुत सारे ऐसे मल्टीबैगर शेयर्स हमने ढूंढे, जैसे फैक्ट एक फर्टिलाइजर्स की कंपनी थी वो हमने ढूंढा, बड़ा जबरदस्त रिटर्न दी हम लोगों ने वहां पे। TWL टीटागढ़ वैगन लिमिटेड, जो कोई बात नहीं कर रहा था, जिसकी बैलेंस शीट, जिसके PNL बिल्कुल समझ नहीं आ रहे थे, जिसके नंबर समझ में नहीं आ रहे थे, हमने बात की रेलटेल की, हमने बात की ऑक्सीरेल की, हमने बात की हिल्टन मेटल की, ये सभी शेयर्स दोगुना से ज्यादा हुए 6 महीने के अंदर में, डबल से ज्यादा।
200% की रिटर्न कहाँ मिलती है शेयर बाजार में, ये सब चीजें कैसे मैं ढूंढ पाया? क्योंकि मैं जब कोई शेयर ढूंढने बैठता हूं तो न्यूज देखता हूं तो मैंने देखा कि सरकार का पूरा पूरा रुझान इंफ्रा के ऊपर है। जब इंफ्रा की बात हुई तो 3 साल पहले मैंने आपको कहा था कि सरकार कोई भी हो, देश बिना इंफ्रा के आगे नहीं बढ़ेगा। सड़कें जरूरी हैं, पावर जरूरी है, ये दो सेक्टर में रिफॉर्म्स आने बहुत जरूरी हैं। पावर में अगर आप देखेंगे तो आज के डेट में ग्रीन एनर्जी की हम बात करें तो ग्रीन एनर्जी के अंदर में बहुत सारी कंपनीज है, अदानी ग्रीन है, सुजलोन है और बहुत सारी ऐसे टाटा पावर है, आप कंपनी ढूंढ सकते हैं, अदानी पावर है, जो आपको पसंद है उसमें निवेश कीजिए स्टडी करने के बाद में। तो पावर सेक्टर मुझे हमेशा अच्छा दिखाई देता है, इंफ्रा में सीमेंट हमेशा से अच्छे दिखाई देते हैं, स्टील की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होने वाली है, बट जो मल्टी बैगर निकल के आने वाला है वो है रेलवेज। जी हाँ दोस्तों, रेलवेज मेरा फेवरेट रहा है क्योंकि सरकार ने कहा कि हम इतनी वंदे भारत ट्रेन चलाएंगे, हर दूसरे दिन TWL को लेके एक ऑर्डर पास हो रहा है, कभी मेंटेनेंस का ऑर्डर पास हो रहा है 9600 करोड़ का, कभी कोई कंसोर्टियम बन रहा है BHEL और TWL के बीच में जो 40,000 करोड़ के प्रोजेक्ट है जिसमें 25,000 करोड़ का उनको प्रोजेक्ट मिल रहा है, फिर धीरे धीरे और भी चीजें आवंटित की जाएंगी और ये सेक्टर पूरा निकल के आएगा। पटेल इंजीनियरिंग की बात करूं तो आज ही मैं देख रहा था, बहुत ही जबरदस्त हमारे एक निवेशक है जिनको हम विजय केडिया साहब कहते हैं, विजय केडिया जी के मैंने देखा उनके पोर्टफोलियो में 1 करोड़ शेयर पटेल इंजीनियरिंग के, 1 करोड़। हालांकि वो उनके पोर्टफोलियो का सिर्फ 1% में, यहाँ पे बाइंग सेलिंग के रिकमेंडेशन आपको नहीं कर रहा हूं, बट मैं देखता हूं कि जब पटेल इंजीनियरिंग को मैंने 15 रुपए में देखा था तो मुझे चार्ट समझ में आया था। पटेल इंजीनियरिंग को मैं रेलवे का स्टॉक्स मानता हूं क्योंकि अगर मैं रेलवेज में ट्रैक बिछाने की बात कर रहा हूँ, रेलवेज में वैगन बनाने की बात कर रहा हूँ, रेलवेज में व्हील्स बनाने की बात करता हूँ तो मुझे हिल्टन मेटल समझ में आता है, वैगन बनाने की बात करता हूँ तो मुझे BHEL और TWL समझ में आता है, और अगर मैं बात करता हूँ सुरंग बनानी है, जो टनल्स बनानी है, तो मुझे पटेल इंजीनियरिंग समझ में आता है। ये वो शेयर्स हैं जो खराब बैठे हुए थे क्योंकि हमारे देश में रेलवेज का विकास नहीं था, रेलवेज की तरफ एक्सपेंशन नहीं थे। अब अगर बात करें कि अगर रेलवेज जिस तरह से बहुत ही अट्रैक्टिव मॉडल बन गया है हमारे देश की ग्रोथ स्टोरी का, शायद GDP में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं, क्योंकि ऐसा भी कहा जा रहा है हम आने वाले समय में ग्लोबल होने वाले हैं रेलवेज को लेके। हम रेल अपने लिए तो बनाएंगे ही बनाएंगे, हम अपने लिए ट्रेन बनाने वाले हैं और हम शायद एक्सपोर्ट भी करने वाले हैं। तो जो सेगमेंट, जो अंग्रेजों के बिछाया हुआ जाल था, जो ट्रैक्स थे रेलवेज के, शायद हम उसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं बहुत जबरदस्त तरीके से। हम देश के उस कोने कोने में पहुंचने वाले हैं सड़कों को लेके, हम देश के उस कोने कोने में पहुंचने वाले हैं अपनी ट्रेन्स को लेके, जहां हमने कभी सोचा नहीं था। तो क्या ये मल्टी बैगर सेगमेंट नहीं है? मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज जब भी आपको ये ढूंढना हो कोई मल्टी बैगर शेयर कौन सा होगा, तो आप ये देखिए कि क्या चल रहा है, क्या हवा है, जाके न्यूज देखने की कोशिश कीजिए, न्यूज बेस्ड स्टॉक्स को निकालने की कोशिश कीजिए उन न्यूज बेस्ड स्टॉक्स में। ऐसा नहीं कि एक कंपनी ने उसके साथ टाइप किया और हो सकता है टाइप फर्जी हो। वो टाइप किस चीज का हुआ है, क्या वो जो प्रोडक्ट सर्विसेज वो कंपनीज बनाती हैं, क्या उसकी रिक्वायरमेंट आने वाले टाइम में होने वाली है, क्या वो आपकी इकोनॉमी से जुड़ने वाला है, क्या वो आपके और मुझसे जुड़ने वाला है, क्या वो इंडस्ट्री के लिए रिक्वायर्ड है। हो सकता है वो प्रोडक्ट सर्विस इंडस्ट्री स्पेसिफिक हो और इंडस्ट्री स्पेसिफिक होने के नाते में वो एक्सक्लूसिविटी उसके पास हो, मोनोपोली उसके पास हो। तो अगर मोनोपोली आपको मिल जाती है तो मल्टीबैगर आपके हाथ लग गया, अगर आपको न्यूज समझ में आए तो मल्टीबैगर आपके हाथ में लग गया। अगर आप मुझसे लोग पूछते हैं कि सर मैंने 160 रुपए, हालांकि मेरी परचेज है 160 रुपीज की TWL की, अभी वो 350 रुपीज के आसपास का उसने कल हाई लगाया, अभी मैं उसको होल्ड कर रहा हूं, मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं कर रहा हूं कि आप भी खरीद लीजिए, आप अपनी स्टडी कीजिए फिर खरीदेगा। मैं क्यों होल्ड करने की कोशिश कर रहा हूं रेलवे के स्टॉक्स को अभी और भी, क्योंकि अभी तो ये ट्रेन चली है, तो शायद हमारा देश जो अगर पूरा का पूरा देश ट्रेन के नेटवर्क से बिछने वाला है तो इंफ्रा सोच के देखिए, व्हील्स बनेंगे, हिल्टन बनाएगी, हिल्टन मेटल बनाने वाली, बता रहा हूं मैं, ये मेरी स्टडी है, मैं गलत हो सकता हूँ, स्टडी कर लीजिएगा। वैगन TWL बना रही है और पटेल इंजीनियरिंग उसको शायद टनल्स बना के देगी, सीमेंट चाहिएगी, ये चाहिए, वो चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए। हर चीज के लिए इंफ्रा से जुड़ी हुई चीजों को स्टडी कीजिए, अपने पोर्टफोलियो में डालिए, फिर उनके चार्ट्स को देखिए। इस वीडियो में भी आखिरी के कुछ मिनट में हम ये देखने वाले हैं कि कैसे TWL मल्टीबैगर बना, वो चार्ट पैटर्न कैसा है जो आपको समझ में आना चाहिए, कि वो कौन सा स्पेशल चार्ट पैटर्न है जो आपको एक मल्टीबैगर शेयर दे सकता है, वो भी डिस्कस करते हैं, है ना। कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, TWL को देख लेंगे, हिल्टन को देख लेंगे और मे बी चलो फैक्ट को भी देख लेते हैं, और एक दो शेयर और अगर टाइम लगेगा तो उसको भी देख लेते हैं, शायद वीडियो लंबी हो जाएगी, बट ज्ञान वाली वीडियो लंबी होती गाइस, शॉर्ट्स नहीं है, शॉर्ट्स में ये सब बताना बड़ा मुश्किल था, शॉर्ट्स आता तो बोल देता यार ये ले लो ये ले लो ये ले लो बेच लो खत्म, 30 सेकंड बोल बोल के चला जाता, बट यहाँ पे मुझे आपका टाइम चाहिए, है ना। टाइम क्यों चाहिए, क्योंकि हम बात करें सीरियस बात होगी, सट्टे वाले लोग इस वीडियो को छोड़ चुके होंगे, बट जो निवेशक हैं उनके लिए वीडियो बहुत जबरदस्त होने वाला है, राइट। तो आपको क्या करना है, पहले न्यूज को स्टडी करना है, न्यूज इकट्ठी करनी है, न्यूज कौन सी इकट्ठी करनी है, जो इंफ्रा से जुड़ी हुई हो, देश से जुड़ी हुई हो, देश में ग्रोथ की बातें कर रही हूं, वो सेगमेंट एथेनॉल हो सकता है, वो सेगमेंट मिथेन हो सकता है, वो सेगमेंट हमारा बायोफ्यूल हो सकता है, वो सेगमेंट हमारा वो बायोफ्यूल से जुड़ी कंपनी हो सकती है, इंफ्रा से जुड़ी कंपनी हो सकती है, सीमेंट हो सकता है, स्टील हो सकता है,
कहां पे न्यूज निकल के आ रही है, सरकार क्या कह रही है, सरकार की बातों को सुनिए। आप प्रो या एंटी गवर्नमेंट होने की कोई जरूरत नहीं, हम निवेशक लोग हैं भैया। गवर्नमेंट चाहे बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे समाजवादी पार्टी की, चाहे देश में कोई भी सरकार आने वाली हो, देश की ग्रोथ और इंफ्रा को कोई भी सरकार रोक नहीं सकती। आज भारतीय जनता पार्टी, अगर कांग्रेस अगर सत्ता में आती है, कोई और पार्टी भी सत्ता में आती है, तो जो भी चीजें या जो भी पॉलिसीज करंट गवर्नमेंट बना रही है इंफ्रा से जुड़ी हुई, वो उसको नहीं रोक पाया। अगर फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी और थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की बातें करें, तो बिना इंफ्रा के बिना मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया के नहीं संभव है। हम कृषि प्रधान से इंडस्ट्रियल इकोनॉमी बनने की कोशिश करें, जिसमें आज हमारा इंफ्रा बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि अगर सड़कें नहीं होंगी तो वो ट्रांसपोर्ट कहां से कहां जाएगा सामान को, जो हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, हम लॉजिस्टिक्स की बात करते हैं, हम वो बिना सड़कों के पॉसिबल नहीं है, वो बिना ट्रेन नेटवर्क के पॉसिबल नहीं है, बिना हवाई यातायात के पॉसिबल नहीं है, बिना आप देखिए शायद 200 से ज्यादा एयरपोर्ट्स बनने वाले हैं, तो पैसा कहां से निकल जाएगा स्टॉक्स में से। एयरपोर्ट्स के स्टॉक्स उठने की कोशिश कीजिए, जो एयरपोर्ट बना रही कंपनीज है, L&T, आप सोचेंगे आप GMR लेके बैठ जाएं, GMR को लेने की बजाय आप शायद L&T को स्टडी करने की कोशिश कीजिए, जो शायद एयरपोर्ट्स बनाने में मदद कर रही है। तो असली बेनिफिशियरी कौन है वो देखिए, न्यूज देखिए, स्टॉक्स की लिस्ट निकालिए, देखिए कि कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो इस सेगमेंट के दादा हैं, मतलब जिनके पास तो चंक मिलना ही मिला, जिनको ऑर्डर मिलने ही मिलने हैं। फिर देखिए कौन सी ऐसी छोटी कंपनीज हैं जो अपने आप को एक्सपैंड कर रही हैं, एक्सपेंशंस लेके आ रही हैं। ऐसी कंपनीज अगर आपको मिली, जैसे शुगर सेक्टर में मुझे उबर शुगर बड़ी अच्छी लगी, 90 रुपीज से पोजीशन बना के रखी, आज 110 के आसपास में है। उबर शुगर ने अपनी कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ाने की कोशिश की, उसने एक्सपेंशन में पैसा डाल रहा है। ऐसे कुछ हिल्टन के अंदर दिखाई दे रहा है, राइट इशू आया कंपनी को एक्सपैंड करने के लिए, एक्सपेंशन करने के लिए। तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, न्यूज एनालिसिस कीजिए, मजा आने वाला है। तो दोस्तों ये चार्ट कैसे लगे आपको, हमने बहुत सारे चार्ट देखे, देखिए आपने पैटर्न देखने की कोशिश की, आपको बताया कि स्टॉक्स मैंने क्यों पसंद किए, कैसे पसंद किए। आप भी अगर सीखना चाहते हैं, आप भी एनालिसिस सीखना चाहते हैं, आप स्टॉक्स के फंडामेंटल एनालिसिस के साथ साथ में टेक्निकल एनालिसिस, जैसे चार्ट पैटर्न्स, प्राइस एक्शन, ट्रेंड लाइन की मास्टरी, RSI की मास्टरी, वो हर चीज जो लाखों रुपए के कोर्सेज में आपको दी जाती है बिल्कुल फ्री आपको दी जाएगी। दो शर्तें हैं, ये दो शर्तें हैं सीरियस लोगों के लिए। हो सकता है अब आप ट्रॉल करें, हो सकता है आप इस वीडियो को छोड़ के चले, चॉइस आपके, या आप उस थर्ड कैटेगरी में जो वाकई सीरियस है सीखने के लिए। फर्स्ट कैटेगरी ट्रोलर्स की हो सकती है, मोस्ट वेलकम, आपका प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सेकंड कैटेगरी हो सकती है आपको पसंद आए, आप छोड़ सकते हैं। थर्ड कैटेगरी जो लोग सीरियसली सीखना चाहते हैं, जो न्यूबीज हैं, दो चॉइस आपके सामने रखा हूं। वो दो चॉइस भी क्यों है, क्योंकि सीरियस लोग मैं चाहता हूं, मैं नहीं चाहता कि कोई भी कहीं से भी उठ के मेरे पास आ जाए और शोर मचाए, शोर नहीं चाहिए मुझे, राइट। दो लोग आएंगे जब भी चलेगा, 200 लोग आएंगे तब भी चलेगा, 200,000 लोग आएंगे उनको भी हैंडल कर लूंगा, कोई तकलीफ नहीं है। मैं सिखाने निकल पड़ा हूं फ्री में, जी हाँ एब्सोल्यूट फ्री। फर्स्ट कंडीशन ये है कि आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे ब्रोकर्स के लिंक दिए हैं, ज़ेरोधा है, अपस्टॉक्स है, एंजल ब्रोकिंग है, स्टॉक्स कार्ट है, पेटीएम मनी है, फायर्स है, जो आपको पसंद है, जिसका अकाउंट आपके पास ऑलरेडी है उसको छोड़ के जिसमें भी अकाउंट खोलना चाहिए आपको अकाउंट खोलना होगा हमारे लिंक से। नंबर वन, अगर आप लिंक से अकाउंट खोलते हैं सिर्फ एक ट्रेड महीने में डाल दीजिए, एक ट्रेड मतलब 20 रुपए आपके खर्च होंगे सिर्फ, है ना, 20 रुपए में अमीर नहीं होने वाला, आप गरीब नहीं होने वाले, वो तो आपको कहीं भी करना ही है, अकाउंट आपको होना ही चाहिए मेरे लिंक से। क्यों? क्योंकि मैं फैमिली क्रिएट कर रहा हूँ, वो आपको करना ही होगा। अगर आप कहते हैं यार आपके यहाँ 2-3-4 अकाउंट पहले से ही है, फिर मैं कहूँगा आपको थोड़े से पैसे देने होंगे, आप कहेंगे फ्री, फ्री के लिए आपको अकाउंट ओपनिंग का लिंक दे दिया, फ्री वैसे होगा। पेड क्या, पेड भी अफोर्डेबल है यार, कोई आपको हजारों लाखों रुपए की फीस नहीं देनी, आपसे एक महीने डेली लाइव सिखाने वाला हूं, आपको बिल्कुल भी कोई रिकॉर्डेड नहीं होगा, रिकॉर्डिंग नहीं मिलने वाली आपको, कि ये रिकॉर्डेड कोर्स बना के दे दिया 20-25 वीडियोस का जाके कर लीजिए, नहीं, लाइव हैंड होल्डिंग होगी डेली 2 घंटे शाम को 7 से 9। आर यू रेडी, सुन लीजिए, बड़े कमाल का ऑफर दे रहा हूं, कोई दुनिया में अभी ऑफर मिलने वाला नहीं है, शाम को 7 से 9 डेली 2 घंटे आपको सिखाऊंगा, और उसमें आपको क्या पे करना होगा, 100 रुपीज पर डे चलेगा, मतलब एक महीने की फीस, एक महीने का कोर्स है 3,000 नहीं, उसको भी कट कर देते हैं 2,400 रुपीज, 2,400 रुपए आपको देने होंगे, 100 रुपए से भी कम की फीस है एक दिन की। अगर ये भी अफोर्ड नहीं कर सकते तो भाई आपके लिए लाखों रुपए कोर्सेज वेट कर रहे हैं, कोई आदत से ही मास्टरी कोर्स चला रहा है, कोई इलेट वेव का मास्टरी कोर्स चला रहा है, कोई फिबोनाची मास्टरी कोर्स चला रहा है, कोई ट्रेंड लाइन सपोर्ट लाइन मास्टरी कोर्स चला रहा है, सब 20,000-50,000 लाखों रुपए कोर्स है, जाके स्टडी कर लीजिए। तो सर एक महीने में क्या सिखाऊंगा, इस एक महीने में आपको ट्रेड करना सिखा दूंगा, स्टॉक सिलेक्शन सिखा दूंगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस सिखा दूंगा, आपको ट्रेंड लाइन सिखा दूंगा, आपको RSI सिखा दूंगा, आपको फिबोनाची सिखा दूंगा, आपको ये सिखा दूंगा, वो सिखा दूंगा, मतलब जितनी भी काम की चीजें हैं जिससे आप अपने आपको टेक्निकल एनालिस्ट कह सकते हैं, एक परफेक्ट टेक्निकल एनालिस्ट, जैसे मैं स्टॉक्स में एनालिसिस करता हूं, मुझे जो आता है मेरे 20 साल का अनुभव एक महीने में देने की कोशिश करूंगा आपको। और फीस क्या है, सिर्फ 2,400 रुपए,
रिपीट करना है, फॉर एग्जाम्पल देखिए कितनी अच्छी चीजें आपके लिए बनाई है मैंने, सपोज आपको रिपीट करना है तो आपको 2400 नहीं देने, 50% फिर आपको 1200 रुपए देने हैं। कभी भी साल में कभी भी आओ, रिपीट करो, अपना प्रूफ दे देना सर पहले आपकी क्लास ली हुई है, और ये बिल्कुल अफोर्डेबल बना रहा हूं आपसे, कोई 20-50 हजार रुपए नहीं चाहिए। क्यों कर रहा हूं ये सब चीजें? क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये अफोर्डेबल हो। और फीस क्यों ले रहा हूं यार, सीरियसनेस के लिए, अरे 2-2.5 हजार रुपए ना चार दोस्त मिलकर अगर पार्टी करने बैठते हैं उसमें खर्च हो जाते हैं। अब ये मत सोचा कि मैं कितने कमाने वाला हूं, भाई मैं बैठा हूं तो मैं तो ठीक है एक ट्रेनर हूं, किसी कोचिंग सेंटर में जाते हो कोचिंग लेते हो फीस तो वहां भी देते हो, फ्री का ऑप्शन भी आपको दे दिया है, अकाउंट खोलो फ्री है, कोई पैसे चार्ज नहीं है, मेरी टीम का एक मेंबर भी आपसे कोई चवन्नी भी चार्ज नहीं करेगा, अकाउंट खोलो खत्म, एक ट्रेड डालना है बस एक्टिवनेस करने के लिए, प्रूफ भेजना व्हाट्सएप नंबर के ऊपर में और आपको फ्री में एंट्री मिल जाएगी। बट हाँ ये बता देता हूँ, जो जिस बैच में होगा वो दूसरे बैच में एंटर नहीं हो पाएगा। मई की जो बुकिंग्स हैं स्टार्ट करने वाला हूँ, 15 मई से ये कोर्स स्टार्ट होगा, 15 मई से क्लास स्टार्ट हो जाएगी, तो 15 मई से पहले पहले 14 मई तक रात के 12 बजे तक जो रजिस्ट्रेशन करा लेगा, जो अकाउंट खोल के लिंक भेजेगा, अकाउंट खोल के ट्रेड करके फ्री एंट्री है, या फीस पे करके 2400 रुपए की आप उस बैच में एंटर हो सकते हैं अगले एक महीने के लिए, एक महीने के लिए। बट बीच में किसी को एंट्री नहीं मिलेगी, आपको वेट करना होगा सेकंड बैच के लिए। तो अब आपकी मर्जी है आपको कब से स्टार्ट करना है, चॉइस आपके ऊपर दे रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर हमारी टीम का है, आप फोन करो और कॉन्टेक्ट करो उनसे, व्हाट्सएप पे करो, कॉल करो, डिटेल्स लो और अकाउंट खोलो, व्हाट्सएप करो और पेमेंट करना, पेमेंट का लिंक भी इसके नीचे दिया हुआ है। तो ये है तरीका फ्री में सीखने का। आप कहेंगे कि सर पैसे भी तो ले रहे हो, नहीं ले रहा है, फ्री है, ध्यान रखो, कंफ्यूज मत करो अपने आपको, ज़रा परेशान मत हुआ करो, दिमाग पे जोर देना ठीक नहीं है, जोर देना ना सीखने लगाओ, ये रोज के सट्टे में 5000-10000 चले जाते हैं। उसमें मेरा प्रॉमिस है कि पूरे हिंदुस्तान में कोई आपको इतना अफोर्डेबल आपको नहीं बताता, फ्री में कोई नहीं पढ़ाएगा, सबके टाइम की कीमत है, मैं अपने टाइम की कीमत आपसे ले रहा हूं, एक अकाउंट खोल के या फिर आप छोटी सी मिनिमम फीस पे करके। चलिए ये तो बहुत रहा, और उम्मीद है कि आप भी मल्टीबैगर शेयर्स ढूंढने से पहले न्यूज़ का एनालिसिस करेंगे, और जो इस क्लासेस में आएंगे उनको बहुत सारी चीजें और मिलने वाली है, मल्टीबैगर शेयर्स भी मिलेंगे, मेरे साथ फैमिली में जुड़ोगे तो पता नहीं क्या क्या मिलने वाला है यार, आप लोग मुझे पहले से जानते हैं। और अब ये सिलसिला यूट्यूब पे कंटिन्यू रहने वाला है, सुबह 9 से 11, अब 9 से 11:30 बेसिकली 9 से 11:30, 2 घंटे का ट्रेडिंग रूम ना करेगा, पूरे दिन ट्रेडिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, 9 से 11:30 का लाइव ट्रेडिंग रूम जो पेड से मेंबर्स के लिए है। फिर हम बात करेंगे 2:30 2:30 लेके 3:30 आखिरी का 1 घंटा और सुबह के 2.5 घंटे बस यहीं पे ट्रेड मिलते हैं, बाकी तुम भी आराम करो मैं भी आराम करता हूं। तो ट्रेडिंग रूम की टाइमिंग थोड़ी चेंज कर रहा हूं, 9 से 11:30 मॉर्निंग में और इवनिंग में 2:30 से 3:30, तो ट्रेडिंग रूम की टाइमिंग चेंज हो रही है। शाम को 7 से 9 2 घंटे लाइव पढ़ाऊंगा, जिन्होंने पहले अकाउंट खोले हुए वो एक्टिव एप्लीकेबल नहीं है, वो फीस पे करके आएंगे, जिन्होंने मेरे लिंक से अकाउंट खोले फीस पे कीजिए वो आएंगे। जो फ्रेश ऑफर है फ्रेश लोगों के लिए आज से ही एप्लीकेबल है, पुराने लोगों ने अकाउंट खोला तो प्लीज कोई रिक्वेस्ट नहीं भेजेगा, आपको फीस पे करके ही वो लाइव क्लास में जो एक महीने का कोर्स है उसमें बैच में आपको एनरोल करना होगा। और जिन्होंने नए फ्रेश अकाउंट खोले हैं फ्रेश अकाउंट खोलिए, एनरोल कीजिए, सीखना स्टार्ट कीजिए, ट्रेड कीजिए, मजे कीजिए, इन्वेस्टमेंट सीखिए, बाजार आसान है, इसको आसान हम मिलकर बनाएंगे। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।